नमस्कार शेखर जी, नमस्कार अर्चना जी, नमस्कार सर। मुंबई के आम आदमी के दिन की शुरुआत होती है लोकल ट्रेन से। और ये लोकल ट्रेन जब लेट हो जाती है तो लोगों के अपने अपनी स्टाइल होती है ट्रेन का इंतजार करने की। ट्रेन यहाँ से आने वाली, अपने अपने तरीके से देखिए किस तरह इंतजार कर रहे हैं। रुच के नाटक है। कुछ लोग ऐसे देखते हैं जैसे गाड़ी किसी गुफे में से आने वाली है। नहीं आया रे। एक बंदे को मैंने देखा ट्रेन यहां से आने वाली, वो उल्टे तरफ देख के अपने आप में बड़बड़ा रहे थे। उल्टे तरफ अपने देश के कुछ नहीं होने वाले। मैं उनके करीब गया और उनसे बोला, ओ अंकल के ट्रेन यहाँ से आने वाली, आने दो। सब लोग इस तरह देख रहे, देखने दो। अपने आपको क्या बहुत बड़े इंटेलिजेंटली समझते क्या? इंटेलिजेंटली नहीं होते, इंटेलिजेंट होता है। रहने दो, इटली मसाला डोसा उत्तप्पा। तुम इतना ही बड़ा उत्तप्पा है तो मेरे को बताओ ट्रेन में कितना ड्राइवर रहते हैं? ऑफ कोर्स दो रहते, एक आगे एक पीछे। अचानक में इधर से आया तो चल। अच्छा, ट्रेन आने से पहले प्लेटफॉर्म पे लोग ऐसे इंतजार करते, टहलते रहते, उनको देख कैसा लगता है? सारे के सारे लोग ऑफिसर है, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए कैसी चेंज होती है। और ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आते साथ ही अंदर चल, अंदर चल, अंदर चल, अंदर चल। ओ भाई साहब, ओ थोड़ा सा, थोड़ा अंदर सरको ना। थोड़ा अंदर सरको। सामने वाले का जवाब क्या? अंदर सरको, मैं सरकेगा ना दरवाजे पे लटकने वाला पूरा सरक जाएगा। चुपचाप खड़े रहो, अंदर सरको। ऐसे भीड़ में और एक आदमी का बड़ा प्रॉब्लम होता है, वो होता है शॉर्ट हेड। वो बेचारे को ना हैंडल मिलते ना अगल बगल के पाइप मिलते, उसके लिए हैंडल पाइप जो भी है अपने सामने वाले के पैंट के बक्कल। अब सामने वाला भीड़ से लड़ रहा है और शॉर्ट हेड वाला उसके पीछे। हर स्टेशन पे सिर्फ एक ही सवाल पूछता अपने सामने वाले से, क्या कौन सा स्टेशन आया? आपको किधर उतरने गए? कल्याण घाट को पर आया। गपचुप खड़ रहे चल। कौन सा स्टेशन आया? अच्छा, प्लेटफॉर्म आने से पहले लोग आके दरवाजे के पास खड़े होते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं, घाट को पर नहीं संतोष। नहीं नहीं घाट को पर नहीं नहीं संतोष कुमार। अबे घाट को पर उतरने का क्या, वो पूछ रहा हूं मैं। संतोष कुमार चल। सोचिए ऐसे खतरनाक भीड़ में अगर किसी ने गुनाह कर दिया, ऐसे टाइप का गुनाह, सबसे पहले गुनेगार के मुंह से आवाज निकलती है, क्या फालतू गिरी है रे? जिसने किया वही बोल रहा है। ऐसे किधर होता है क्या? ये तो ठीक है, ये अपना बचाव कर रहा है, लेकिन पीछे जो गरीब घायल हुआ है उसकी हालत घायल। अरे बाप रे, अरे ओ भाई साहब भार्गव का क्या? अरे मां कसम सोमवार आज मेरा उपवास तो टूट गया। अब इस गरीब की सुनवाई नहीं हो रही, तीसरा आदमी गुनेगार से बात कर रहा है। ओ क्या, वो गलत नहीं बोल रहे? वो गलत नहीं बोल रहे, मेरे को भी टच करके गए, चक्कर आ रहा है मेरे को। सर मैं मुंबई के विक्रोली के एक चौल में रहता हूँ। हमारे चौल में चार टॉयलेट हैं। सुबह में 400 लोग वहाँ पे अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने आते हैं। लेकिन हाई फाई लोगों के घर में ऐसे नहीं होते। हाई फाई लोगों के घर में मेंबर रहते दो, टॉयलेट होते चार। इनके घर में हर चीज हाई फाई तरीके से होती है, शादियां हाई फाई,
बर्थडे हाई फाई, यहाँ तक कि इनके घर में किसी की डेथ हो जाए वो भी उसी तरह करते हैं ये फोन करके अपने रिलेटिव्स को देखे किस तरह इन्फॉर्म करते अच्छा डैडी अच्छा तुम्हें पता चल गया आराम से है ना डैडी भी ये हम लोग भी ये कहीं नहीं जा रहे नहीं वो रात में थोड़ा सा डैडी के सीने में दर्द हो रहा था तो मैंने बोला अस्पताल चलते हैं तो डैडी ने बोला नहीं एक 90 का पैक बनाओ मैं 90 का पैक बना ही रहा था डैडी 100 हो गए लेकिन हमारे चाली में ऐसा नहीं होता सुबह का समय है लेडीज पानी भर रही है जेंट्स काम पे जा रहे बच्चे स्कूल जा रहे इसके बीच में एक चीख सुनाई देती है और पूरे मोहल्ले के देखिए किस तरह पता चलता है ये मामी क्या हुआ तेरा मामा गया ये मामी ऐसा मत बोल मामा को और मेरा रोज का 11 बजे का ट्रेन है लेकिन उसका 12 बज गया क्या ये मामी ऐसा मत बोल अभी मैं पिल्ले डॉक्टर को बुलाया वो आता ही होगा ओ डॉक्टर साहब जरा देखो ये क्या तुम बोलते हो मामा गया ये तो इधर लेटे लेना अरे वैसे नहीं यार वो नाड़ी बीड़ी पकड़ के देखते जरा देखो ना मामा गए मैं भूली थी ना तेरा मामा का 12 बज गया ए मामी ऐसा मत बोल अभी मैं फटाफट सामान लेके आएगा और मामा को लेके जाएगा नहीं उसको हाथ नहीं लगाने का क्यों जब तक उसका नासिक का बहन नहीं आता उसको हाथ नहीं लगाने का अच्छा चल ठीक है हम लोग इधर है कुछ लगे तो बोल अब पड़ोस की एक औरत आके मामी को दिलासा देती है मामी ए मामी ऐसे तू रोएगी तो तेरे ये चिंटिया पिंटिया राम्या को कौन देखेगा तेरे को क्या लगता है हम लोग देखेगा नहीं रे बाबा इतना महंगाई में कौन देखेगा थोड़ा सबर कर अब धीरे धीरे मोहल्ले के सारे लोग आके मामा के घर के सामने जमा हो गए एक बंदा अपने साथ वाले से पूछता है ए आकाश क्या है रे कैसे हो रे नाश्ता की ओर गया क्या बात कर रहे नाश्ता की ओर गया हाँ मामा नाश्ते में पक्का था नाश्ता खाए बगैर किधर ही नहीं जाता था अब दूसरा आदमी मामा के दरवाजे के पास खड़े रह के अपने बगल वाले को बोलता है ए संतोष क्या है रे मामा के मुंह पे देखना यार अगरबत्ती गिर रहे अरे यार उसका मेनबत्ती बुझ गया तेरे को अगरबत्ती की पड़ी है अब ये बात धीरे धीरे मोहल्ले के नगर सेवक कॉर्पोरेटर को पता चलता है वो वहां पे भी अपने उसी एटीट्यूड में आते आते साथ ही बॉडी को देख के चमचे से सबसे पहला सवाल ये गोटी इधर आ रे क्या है भाई ये जाड़ा वाला हार किसने डाला रे भाई वो 417 का नगर सेवक है ना विजय ईश्वरलाल पवार उसने डाला है कितने का रहेगा रे रहेगा ना भाई 400-500 का तो रहेगा एक काम कर अपना एक 800 का ले किया इतने में जिसके लिए वेट किया जा रहा है मामा की बहन वो चौल के बाहर से शुरू हो जाती है दादा मेरा भाई तुम्हारा भाई मेरा भाई पानी पानी ए भाई पानी ले गया चाय कौन बोला चाय कोई नहीं बोला भाई अब मामा की बहन अपने भाई के साथ बिताई हुई दिनों को याद करके रो रही है मेरा भाई परसों के दिन मेरे घर पे आया था मेरे को बोला मुर्गा खाने का है 800 रुपए का मुर्गा खिलाई इसको मैं शाम को बोलता है लड्डू चाहिए 1.5 किलो लड्डू लेके आई भुक्कड़ एक भी नहीं रखा पूरा खा लिया मेरा भाई मामा की बहन रोते रोते मामा की वाइफ से बात करती है इसका बैंक में कुछ खाता पीता था क्या नहीं क्या इसे फुकट खाता था ये मेरा भाई मामा की बहन को रोते हुए देख के मोहल्ले के लोग भी रो रहे लेकिन नकली नकली रो रहे एक बंदा रो रहा है बगल वाला पूछ रहे विक्स लगाया क्या विक्स मैं ऐसे ही रोते हैं विक्स लगाया क्या अच्छा कुछ लोग रोते रोते इंक्वायरी करते हैं ऐसे जगह पे आके अच्छा नहीं हुआ रे अच्छा नहीं ये गोटे इधर आ रहे क्या है भाई वो लाल ड्रेस वाली कौन है रे मामा के रिश्तेदार है पुणे से आई है मामा बहुत शानदार है कभी बताए नहीं इतने अच्छे अच्छे रिश्तेदार है करके
अब मामा को चौल के छोटे छोटे कंजेस्टेड गलियों में से ले जा रहे हैं। कंजेस्टेड गलीज। रस्ते से जा रहे पान की दुकान पे एक बंदा खड़े रह के कंधे वाले से इशारे में पूछता है, कोनेर कोने कौन हट कौन कौन। अब वो बंदे ने भी जिद रखा कि मैं कंफर्म करके ही रहूंगा, दौड़ता हुआ आके पूछता है, कोने बोलना। अरे मामा है करके बोले तो समझ में नहीं आते गेरे तेरे को। कौन मामा रे? थोड़ा नीचे करना, नीचे करना, एलईडी टीवी है क्या? अब शास्त्र के हिसाब से ऐसे कि हर चार पांच कदम में कंधा चेंज करते वहां पे बातचीत नहीं होती, सिर्फ इशारों में होता है। आखिर में चार लोग फंसे रहते, उनकी हालत ऐसी, फालतू में आए। मेरा माँ बोला था खाना खा के सो जा करके, मामा जिंदा था तो कभी लगा नहीं इतना वजन दे रहे करके। बाप रे बाप, बाबू का बूंदा भी इधर ही आए ले, पूरा चमड़ा छिल गया रे। बाप रे बाप। अब ये बंदा दूसरे को हेल्प के लिए बुला रहे, सामने वाला टाल रहा, देखिए किस तरह। ए, ए। क्या उधर से ही बोल। अरे थोड़ा लेना यार। नहीं भाई मामा डबल हो गए ले, आगे से चढ़न भी आने वाला है। वैसे भी तू बोलता था ना मोहल्ले में कुछ भी होगा तो मैं कंधा देगा, मैं कंधा देगा, अभी दे। अरे लेना यार, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, मैं भर रास्ते पर रख देगा पहला बोलता है। अब कैसे कैसे मामा को स्मशान भूमि तक पहुंचाते, वहां जाने के बाद भी वॉचमैन, ए उधर रोको। अरे लो ना बहुत वजन है। अरे ऑलरेडी अंदर ही गए, उधर रोको। अब मामा को एक जगह पे रख के सब इकट्ठा होके बातचीत कर रहे थे, अचानक में बारिश हो जाती, मामा खड़ा हो जाता है। ओ गुड गॉड। अब मामा को देख के बाकी लोग का एक्सप्रेशन, ए इधर, ए डॉक्टर इधर। मेरे को कुछ बोलने का नहीं मामा, ये लोग बुलाए करके मैं आया। इधर आ। तेरे को बोला नाड़ी पकड़ तो तू मेरा कमर का नाड़ा पकड़ के बोलते है क्या? ये तू इधर आ रहे, क्या बोलते है अगरबत्ती मेनबत्ती डालू क्या तेरे मुंह में मेनबत्ती? ये मामा जिंदा हुए करके लाड़ में मत, ये हट, ये इधर आ रहे। ऐसे जगह पे आके बोलते है वो लाल वाली कौन है बताओ क्या कौन है? ये मामा जिंदा हुए करके लाड़ में, ये हट मेरी औरत की दे रहे मैंने। ए तेरे वजह से हो गया सब। मेरे वजह से कैसा? मैं मार के सो तो तू बोलती गया। 50 रुपए निकाल। काय के लिए? जो उतर गए वो चढ़ा के आते हैं। आपने चाली की बात की है और बात करते करते ऐसा लगा कि चाली का चाली चैपलिन सामने आ गया। Fantastic, it was a great act. I loved it. मैंने इसलिए आपकी एक्ट को बहुत पसंद किया कि किस तरह से ये मामा जी का घर में अगर मौत होती तो ऐसे होती, और आपने तो मामा जी के घर आप ले गए, हम उन सब में खड़े थे, बैठे थे, देख रहे थे, इट वाज वंडरफुली पोर्ट्रेट। सुपर्ब। सरपंच जी, कई बार हम अपने मोबाइल रख लेते हैं, उसमें मोबाइल में धुन डाल देते हैं, कभी कभी वो धुन भी मरवा देती है। वो एक आदमी एक अर्थी को कंधा दे रहा था, मोबाइल बज उठा, उसमें धुन पड़ी हुई थी, अकेले अकेले कहां जा रहे हो, तो हमें साथ ले लो जहां जा रहे हो। केटी भाई, कॉमेडी के अलावा और क्या करते हैं? सर मैं एक्टर लोग की वॉइसेस डब करता हूं। अच्छा, किसी की? किस? विजय राज की करते हैं। मोहब्बत शरीर के लिए हानिकारक होती है, फेफड़े सलामत रहते हैं लेकिन कलेजा जला देते हैं। इस तरह का एंटरटेनमेंट करते रहते होंगे तो घर में बहुत एंटरटेन रहते होंगे तुम्हारे फैमिली? नहीं मैम, मेरे घर वाले बहुत बोर होते हैं। क्यों? मेरा खाली ये मिमिक्री का एक ही जगह पे फायदा होता है, जब वाइफ को मैं एंटरटेन करता हूँ, जैसे फोन करता हूँ मैं, हेलो कौन? नहीं पहचाना। तुम कैसे पहचानोगे भगवान? हाँ मालूम है, पहचाना पहचाना। खाना खा के आ रहे?
नहीं मैं भूखा आ रहा हूँ, माँ कहती है रात में खाना खा के सोने से ताकत आती है, तुम घर पे आके खाना खाओगा। हाँ माँ कही सुनो, जैसे मैं तुमको कभी भूखा रखी थी और तुम्हारा लड़का फिर से फेल हो गया, टीवी के सामने ऐसा बैठता है, ये चैनल वो चैनल, मेरे को सास बहू तक देख लेने देता है, सास बहू अपना सास बहू के चक्कर में मेरा सोनी टीवी खराब कर देते हो। मान लीजिए यहाँ पे आज पंकज कपूर सर अगर आते और आप लोगों से सवाल पूछते। बहुत बढ़िया लग रहा है आज एंजी। नमस्ते शेखर जी। अर्चना मैम नमस्कार, मैं आपसे एक सवाल ये पूछने आया हूँ शेखर जी। क्या बहुत अच्छा। एक पत्थर पानी में डालने से क्या होता है बताइए जी? पत्थर डूब जाता है। एक पत्थर पानी में डालने से क्या होता है बताइए? बुड़ुक करके आवाज आता है। क्या बात है।